नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पद्माकर भट्ट की। ठीक है, दो चार कवि ही बचे हैं जो मुख्य रीतिकालीन कवि हैं उनमें, उसके बाद में जो हमारा रीतिकाल के जो कवि रह जाएंगे अन्य कवियों में जिनको शुक्ल जी ने स्थान दिया है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो कमेंट्स जिसने भी मुझे किया है, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए थैंक यू। सभी लाइक करने वालों को, सभी वीडियो सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आगे के वीडियोस बना के रख लेती हूँ तो इस बार कई बार नाम पढ़ने में आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान वो कर लीजिएगा, टाइम मैनेज करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पद्माकर भट्ट रीतिकालिक के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी इम्पॉर्टेंट है तो इनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पिछले कवियों में जहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं थे उनको मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी पढ़ लिया था, और लेकिन एक बार आप वीडियो सुनिएगा ज़रूर, छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि कितना भी मतलब इम्पॉर्टेंट ना हो बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके काम के आपको मिल ही जाएंगे। ये इतने सर्वप्रिय थे कि इस काल के भीतर इतना सर्वप्रिय बिहारी दास को छोड़कर और कोई दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ठीक है, पद्माकर की जो रचना थी वो इतनी रमणीय थी, इतनी मनोहारिणी थी, यही उनकी सर्वप्रियता का मात्र एक कारण है। रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर विकासोन्मुख हुई। तो रीतिकालीन कविता को पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय शुक्ल जी दे रहे हैं प्रताप शाही और पद्माकर भट्ट को, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ, रीतिकाल की कविता इनकी यानी पद्माकर भट्ट और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर विकासोन्मुख हुई, मतलब तब पहले इन दोनों ने उसे पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंचाया, उसके बाद ये विकास की ओर बढ़ी। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम कवि भी हैं। मैंने कहा था पद्माकर भट्ट जरूरी है, इनको आराम से पढ़ना है। देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा आगे चलकर और किसी कवि का नहीं गूंजा। पद्माकर भट्ट के बारे में ये बात कही जा रही है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, किसी किसी कवि को, जैसे तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी की बहुत सारी विशेषताएं शुक्ल जी ने बताई, भिखारी दास जी को ले लेते हैं, बिहारी को ले लेते हैं, पद्माकर भट्ट को ले लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ कहा है। तो इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें एक एक दो दो लाइन नहीं, कई ज़्यादा लाइनें मिल जाती हैं आपको परीक्षा की दृष्टि से। ये तैलंग ब्राह्मण थे, इनके पिता मोहनलाल भट्ट का जन्म बांदा में हुआ था। ये पूर्ण पंडित और अच्छे कवि भी थे, जिस कारण इनके कई राजधानियों में अच्छा सम्मान हुआ था। ये कुछ दिनों तक नागपुर के महाराजा रघुनाथ राव, जिन्हें अप्पा साहब भी कहते थे, उनके यहाँ रहे। फिर पन्ना के महाराजा हिंदूपति और के गुरु हुए। पहले अप्पा साहब के यहाँ रहे, फिर जो पन्ना के महाराज हिंदूपति थे उनके ये गुरु हुए और कई गांव प्राप्त किए। वहाँ से फिर जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे, जहाँ इन्होंने कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली, जहाँ पर इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी भी मिली और अच्छी जागीर प्राप्त हुई। ठीक है, उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। ये जो बात हो रही थी ये किसकी बात हो रही थी? पद्माकर भट्ट के पिताजी की बात हो रही थी, और इन्हीं के जो पुत्र थे वो कौन हुए? सुप्रसिद्ध पद्माकर भट्ट। कन्फ्यूज मत होइएगा, पद्माकर भट्ट के बारे में ये ऊपर ये वाली लाइनें नहीं कही गई हैं। पद्माकर का जन्म संवत 1810 में बांदा में हुआ था। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोगकर अंत में कानपुर गंगा तट पर संवत 1890 में शरीर छोड़ा, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। ये कई स्थानों पर रहे।
सुग्रा के नोने अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया था। मंत्र गुरु जो गुरु मंत्र देते हैं, जिनसे गुरु मंत्र लिया जाता है, ऐसा गुरु बनाया था इनको अर्जुन सिंह ने अपना। संवत 1849 में ये गुसाई अनूप गिरी, उपनाम जिनका हिम्मत बहादुर था, के यहाँ गए, जो बड़े अच्छे योद्धा थे और पहले बांदे के नवाब के यहाँ थे, ठीक, फिर अवध के बादशाह के यहाँ सेना के बड़े अधिकारी हुए। हिम्मत बहादुर की बात हो रही है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर बिरुद्धावली नाम की एक वीर रस की बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी, ठीक है, क्योंकि ये कई राजाओं के यहाँ रहे, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। जो लोग कई आश्रयदाता राजाओं के यहाँ रुक जाते हैं ना, तो उनकी आपको ग्रंथों में, उनकी रचनाओं में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी रचना किसके आश्रय में लिखी उन्होंने। संवत 1856 में ये सितारे के महाराज रघुनाथ राव, जो राघोबा के नाम से प्रसिद्ध थे, क्या रहे, और एक हाथी, 1,00,000 रुपया और 10 गांव पाया भी इन्होंने बहुत। इसके उपरांत पद्माकर जी जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ पहुँचे और वहाँ बहुत दिनों तक रहे। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी ये बहुत काल तक जयपुर रहे और उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद बनाया। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण बनाया, जो दोहों में है। ये एक बार उदयपुर के महाराजा भीम सिंह के दरबार में भी गए, जहाँ इनका बहुत अच्छा सम्मान हुआ था। महाराजा साहब की आज्ञा से इन्होंने गन गौर के मेले का वर्णन किया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है, पद्माकर भट्ट ने गन गौर के मेले का वर्णन किया था महाराजा साहब की आज्ञा से। महाराज जगत सिंह का परलोकवास संवत 1860 में हुआ था, अतः उनके अनंतर ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार गए और यह कवित्त पढ़ा। मीनागढ़ बंबई समुद्र मंद राज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसै बोग, कहे पद्माकर कसक काम मीर हु को, पिंजर में घेर के कलंजर छोड़े बोगो। बांका नृप दौलत अलीजा महाराज कबो, सज दल पकरी फिरंगिन दबैबंगो, दिल्ली दह पट्टी पट नाहू को झपट्टी कर, कब कब हूँ कलत्ता कलकत्ता को उड़ैबंगो, ठीक है। सिंधिया के दरबार में भी इनका अच्छा मान हुआ। कहते हैं कि वहाँ के सरदार उदा जी के अनुरोध से इन्होंने हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया था। ग्वालियर से ये बूंदी गए और वहाँ से ये फिर अपने घर बांदे आ गए। इतने में तो इन्होंने आपको भी घुमा दिया साथ में। आयु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे। इसी समय उन्होंने प्रबोध पचासा नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ बनाया। अंतिम समय निकट जान पद्माकर भट्ट गंगा के तट के विचार से कानपुर चले गए, ठीक है। बांदा के बाद अंतिम समय में अपने ये गंगा जी के किनारे क्योंकि रहना चाह रहे थे, तो कहाँ चले गए, कानपुर, और वहीं पर इन्होंने अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए और अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरी इन्होंने इसी समय पर बनाई थी कानपुर तट के गंगा तट पर, ठीक है। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लिखा हुआ एक चरित काव्य भी इनका दोहों और चौपाइयों में है, पर उसमें इन्हें काव्य संबंधी सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये संभव है कि इनका ना हो, क्योंकि यदि एक बार कोई सफल है तो उस मतलब फिर वो उसी हिसाब से काम करता है ना, जिसको आता है वो पीछे तो जाएगा नहीं। तो शुक्ल जी कह रहे हैं हो सकता है इनका और ना भी हो। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। मतीराम को जब हमने पढ़ाया था तो आपको रसराज के बारे में बताया था कि ये जो पढ़ने वाले अभ्यासी थे, जो ज्ञान करना चाहते थे, उनके और काव्य रसिकों के हृदय का कंठाहार था, उसको बहुत अच्छा मानते थे, उससे अभ्यास में इनको आराम मिलता था। वास्तव में ये श्रृंगार रस का एक सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है।
इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्त विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती है। पद्माकर भट्ट की कल्पना तुलना यहाँ पर शुक्ल जी किससे कर रहे हैं? बिहारी से कर रहे हैं। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकती है ना, या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। ठीक है, ऐसी कल्पना के बिना, अगर ऐसी कल्पना नहीं है तो आपके अंदर भावुकता है तो वो भी बेकार हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, लीन हो जाएगी, या तो मतलब एक असमर्थ पदावली की तरह बीच में जबरदस्ती फड़फड़ाती रहेगी, लेकिन उसका अर्थ उतना ना सिद्ध होगा। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर भी इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रतिमूर्ति खड़ी करती है और कहीं भाव या रस की धारा बहाती है। कहीं हम अनुप्रासों की मीलित झनकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनियों के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है। कितनी तरह की विशेषताएं पद्माकर भट्ट जी के काव्य में बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इतनी अलग अलग तरह की विशेषताएं पूछी जाएंगी तो इन्हीं की हैं। बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही रीतिकालीन कवियों में। आप इसको इस तरह अलग लिख सकते हैं कि भक्तिकालीन कवियों में आप कहीं पे थोड़ा सा लिख लीजिए कि किसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की है शुक्ल जी ने, है ना, फिर रीतिकालीन कवियों में, तो आपको दिमाग में थोड़ा सा आराम हो जाएगा समझने के लिए। और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य को विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता तुलसीदास जी में भी दिखाई देती है। मुझे लगता है यहाँ पे तो उन्होंने उन सभी का नाम ले लिया है जिनको वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किए हैं, प्रशंसा की है जिनकी शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में। अनुप्रास की प्रवृत्ति तो हिंदी में प्रायः सब कवियों में आवश्यकता से अधिक रही है, है ना? पद्माकर जी भी उसके प्रभाव से नहीं बचे हैं, पर थोड़ा ध्यान देने पर ये प्रवृत्ति इनमें अरुचिकर सीमा तक कुछ विशेष प्रकार के पद्यों में ही मिलेगी। मतलब कहीं कहीं किसी विशेष प्रकार के पद्यों में अरुचिकर की तक की सीमा तक मिलेगी, मतलब जो एकदम ही अरुचिकर हो जाए, बोरिंग हो जाए, ऐसा कहीं कहीं है किसी विशेष पद्य में जिनमें ये जानबूझकर शब्द चमत्कार प्रकट करना चाहते थे, सब में नहीं है। अनुप्रास की दीर्घ श्रृंखला अधिकतर इनके वर्णात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप पद्यों में पाई जाती है, जहाँ मधुर कल्पना के बीच सुंदर कोमल भाव तरंग का स्पंदन है, वहाँ की भाषा बहुत ही मधुर, बहुत ही चलती, स्वाभाविक और साफ सुथरी है। जहाँ अनुप्रास भी है तो बहुत संयत रूप में। भाव मोती विधायनी कल्पना का क्या कहना है, ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजबून बांधने जैसे प्रयासी कवि ना थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी, ये लाइन तो कई बार पूछी भी जा चुकी है तो आपके लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पद्माकर भट्ट के बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं कि हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्त मान कर देते हैं कि सुनने वालों का हृदय आप से आप हामी भरने लगता है। यह इनकी लाक्षणिकता भी इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है, है ना? इतना बढ़िया इन्होंने, इतना बढ़िया व्यक्त करते हैं भावनाओं को कि सुनने वाला अपने आप हाँ हाँ करता चला जाता है, उसी में मतलब खो जाता है। पद्माकर जी की कविता के कुछ नमूने दिए हैं, ठीक है, अब इनके बहुत सारे हैं, मैं इतने नहीं पढ़ पाऊंगी, कुछ पढ़ दे रही हूँ, बाकी आप इनको देख लीजिएगा ध्यान से। फागु की भीड़ अभीरन में कहीं गोविंद ले गई भीतर गोरी,
भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीन पिताम्बर कमर ते सुबिदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अयो हेरन होरी। ठीक है, ये देखिए, आई संग आलिन के ननद पठाई नीति सोहत सोहाई सीस इयड़ी सुपट की, कहे पद्मा कर गंभीर जमुना के तीर लागी घट भरन नवेली नेह अटकी। इसी तरह से देखिए, ताही में ताही समय मोहन जो बांसुरी बजाई तामे मधुर मलार गई और बंसी बटकी, तान लागे लटकी न रही सुध घूंघट की, घर की न घाट की न पाट की न घट की। बहुत सुंदर लिखा भी है, शुक्ल जी ने अगर किसी की तारीफ की है तो यूं ही नहीं की है। अब देखिए इसमें बहुत सारे हैं, इनको आप देख लीजिएगा, बहुत सारी हो जाएंगी, इस तरह से पढ़ने में एक बार आपको याद भी नहीं होती है। जब आप इनकी विशेषताएं पढ़ते जाएंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं खुद सक्षम हो जाएंगे। अब जैसे इसमें ये हिम्मत बहादुर आया है, तो ये तो आप समझ ही जाएंगे कि हिम्मत बहादुर बिरुदावली इन्हीं की है, तो ये पंक्तियाँ इन्हीं की होंगी। कहीं ना कहीं आपको मेन थीम पकड़ना है कि कवि में विशेषता क्या थी, और वो आप पद्य से मिलाइए, तो आपकी इतनी सारी जो लाइनें हैं उनको याद करने की जो समस्या है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्वाल कवि की। ये मथुरा के रहने वाले बंदी जन सेवाराम के पुत्र थे। ये ब्रजभाषा के अच्छे कवि हुए हैं। इनका कविता काल संवत 1879 से संवत 1918 तक है। अपना पहला ग्रंथ यमुना लहरी इन्होंने संवत 1879 में और अंतिम ग्रंथ भक्ति भावना संवत 1919 में बनाया। कविता काल संवत 1918 तक बताया, अंतिम ग्रंथ इन्होंने 1919 में बनाया है, लेकिन शुक्ल जी ने लिखा यही है, तो हमें पढ़ना यही होगा। रीति ग्रंथ इन्होंने चार लिखे, रसिकानंद जो अलंकार पर है, रस रंग जो संवत 1904 में लिखा गया, कृष्ण जुको नक्सिक संवत 1884, दूसर दर्पण 1891। इसके अतिरिक्त इनके दो ग्रंथ और मिले हैं, हमीरहट 1881 का और गोप 25। और भी दो ग्रंथ इनके लिखे कहे जाते हैं, राधा माधव मिलन और राधा अष्टक। कवि हृदय विनोद इनकी बहुत सी कविताओं का संग्रह है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ग्वाल कवि की कविताओं का संग्रह है कवि हृदय विनोद। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्होंने यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है। मतलब देव स्तुति कर रहे हैं, उसमें भी इन्होंने पूरे नौ रसों का और जो षट ऋतु वर्णन है वो सब किया है। भाषा इनकी चलती और व्यवस्थित है, वाग्यवद्धता भी इनमें अच्छी है। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग क्या है, मतलब अच्छा वर्णन किया लेकिन वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का किया है, मतलब श्रृंगार रस को उद्दीपित करने के रूप में ही उन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया। इनके ऋतु वर्णन के कवित्व लोगों के मुंह से अधिक सुने जाते हैं, जिसमें बहुत से भोग विलास और अमीरी सामान भी गिनाए गए हैं। ये हरकत रीतिकाल के एक और कवि ने की थी ना, नीचे कमेंट बॉक्स में नाम बताइए जरा। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और इन्होंने भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। इन्होंने ठेठ पूर्वी हिंदी गुजराती पंजाबी भाषा में भी कुछ कवित्व और समये लिखे। फारसी अरबी शब्दों का इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। सारांश ये है कि ये एक विदग्ध और कुशल कवि थे, पर कुछ फक्कड़पन लिए हुए। ठीक है, ये कैसे थे, थोड़ा फक्कड़पन लिए हुए थे। इनकी बहुत सी कविता बाजारी हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़े से उदाहरण नीचे गए हैं दिए गए हैं। ग्रीष्म की गजब धू की है धूप धाम धाम, गर्मी झुकी है जाम जाम अति तापिनी, भीजे खस बीसन झले हु न सुखात स्वेद,
गात न सुहात बात दवा सी डरा पीनी। समय यार लाल भी यही हो रहा है गर्मी का। ग्वाल कवि कहे कोरे कुंभन के कूपन ते लैल जल धार बार बार मुख थापिनी। जब पियो तब पियो अब पियो फिर अब पीवत तो पीवत मिटे न प्यास पापिनी। बढ़िया चलिए मोरन के सोरन के नीको न मरोर रही घोर न घोर हूँ न घोर हुई रही न घन घने न फरद की। अंबर अमल सर सरिता बिमल भल पंख को न अंक और न उड़न गरद की। गाल कवि चित्त में चकोरन के चैन भय पथिन की दूर भई दूसन दरद की। जल पर थल पर महल अचल पर चांदी सी चमक रही चांदनी सरद की। ठीक है देखा ऋतु वर्णन दिखाया जा रहा है यहाँ पे। जाकी खूब खूबी खूब खूबन की खूबी जहाँ चारण में ताकि बद जाति वहाँ उराहना। ग्वाल कवि वेही परम सिद्ध सिद्ध जो है जग वेही पर सिद्ध ताकि यहाँ हवा सारा यहाँ वहाँ सराहना। जाकी न यहाँ चाहना न ताकि वहाँ चाहना है जाकी यहाँ चाहना है ताकि वहाँ चाहना। इन्होंने बहुत सारा लिखा है कहाँ तक पढ़ेंगे देख लीजिएगा खैर ज़्यादा नहीं था। चलिए अब ठीक है। प्रताप शाही ये रतन सेन बंदीजन के पुत्र और चरकारी बुंदेलखंड के महाराजा विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंगात कौमुदी और संवत 1886 में काव्य विलास की रचना की। इन दोनों परम प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त निम्नलिखित पुस्तकें भी इनकी बनाई हुई और हैं। जयसिंह प्रकाश 1882, श्रृंगार मंजरी 1889, श्रृंगार सरोमणि 1894, श्रृंगार अलंकार चिंतामणि संवत 1894, काव्य विनोद 1896, रसराज की टीका 1896, रस चंद्रिका सच्चाई की टीका है संवत 1896 की जुगल नक्षिक सीताराम के नक्षिक का वर्णन है। ध्यान रखिएगा जुगल नक्षिक किसका वर्णन है पूछा जा सकता है। और बलभद्र नक्षिक की टीका। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल 1880 से 1900 तक ठहरता है। पुस्तकों के नाम से भी इनकी साहित्य मर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो जाता है। पुस्तकों के नाम से ही आपको पता लग जाएगा। आचार्यत्व में इनका नाम मतीराम श्रीपति और दास के साथ आता है। नाम याद कर लीजिए मतीराम श्रीपति और दास के साथ में इनको इंक्लूड कर रहे हैं जिनमें कुछ आचार्यत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है। और एक दृष्टि में इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता को पहुंचाया है। लक्षणा और व्यंजना के उदाहरणों के द्वारा विस्तृत निरूपण पूर्ववर्ती तीन कवियों ने ही नहीं किया है। ठीक है। लक्षणा और व्यंजना के उदाहरणों द्वारा विस्तृत निरूपण इन तीन पूर्ववर्ती कवियों ने नहीं किया है। इन्होंने व्यंजना के उदाहरणों की एक अलग पुस्तक ही व्यंगार कौमुदी नाम से रची। मतलब समझ रहे हैं आप इन्होंने व्यंजना के उदाहरणों की एक अलग ही पुस्तक रच दी थी। अब नाम आप इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा व्यंगार्थ कौमुदी। व्यंजना से व्यंगार्थ आप जोड़ सकते हैं। व्यंजना आप जानते हैं कि जहाँ पे कोई अन्य ही अर्थ होता है व्यंगार्थ होता है। इसीलिए इसका इसमें व्यंजना के ही उदाहरण है आप याद रखिएगा। इसमें कवित्व दोहे सेवैये मिलाकर 130 पद्य हैं जो सब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा आगे फंस सकते हैं इसमें। साहित्य मर्मज्ञता तो बिना कहे ही समझ सकते हैं कि ये उदाहरण अधिकतर वस्तु व्यंजना के ही होंगे। व्यस्त व्यंजना को बहुत दूर तक घसीटने पर बड़े चक्करदार ऊहापोह का सहारा लेना पड़ता है और व्यंगार्थ तक पहुँच केवल साहित्यिक रूढ़ी के अभ्यास पर अवलंबित रहती है।
अगर आप व्यस्त व्यंजना करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा, अगर उसको घसीटेंगे बहुत ज़्यादा लंबा ले जाएंगे तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा चक्करदार रास्ते अपनाने पड़ेंगे, बहुत लंबा वो विस्तृत करना पड़ेगा। और व्यंगार्थ तक पहुँच केवल साहित्यिक रूढ़ी के अभ्यास पर ही हो सकता है। नायिकाओं के भेदों, रसादी के सब अंगों तथा भिन्न भिन्न बंधों उपमान का अभ्यास ना रखने वालों के लिए तो ऐसे पद्य पहेली ही समझिए। मतलब अगर आप व्यंगार्थ का मतलब नहीं समझ रहे हैं, या ये समझिए और व्यंगार्थ का अर्थ जो है वो पुरानी परंपरागत रूढ़ियों पर आधारित है, आप उन रूढ़ियों को जान नहीं रहे तो आप उन व्यंगार्थ के अर्थ नहीं समझ पाएंगे, और अगर आप नहीं समझ पाएंगे उन उपमानों को, उन उपमान के अर्थों को, तो आपके लिए वो सारे पद्य पहेली ही बनकर रह जाएंगे। उदाहरण के लिए व्यंगार्थ कौमुदी का ये सवैया लीजिए। सीख सिखाई न मानती है बर ही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में बिना काम प्रथागत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को रही के कहीं कौन सवाद ही पावे, कौन परी ये बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे। अब जो रूढ़ियों को समझ रहा होगा वही इसका अर्थ लगा पाएगा, अन्यथा इसका अर्थ लगाने में समस्या होगी। सहृदयों की सामान्य दृष्टि में तो बया संधि की मधुर क्रीड़ा पत्ति का ये एक परम मनोहर दृश्य है, पर फन में उस्ताद लोगों की आँखों आँखें एक और ही ओर पहुँचती हैं, देखने वाले का नज़रिया बता रहे हैं। इसमें से ये व्यंगार्थ निकालते हैं कि घड़े के पानी में अपने नेत्रों के प्रतिबिंब देख उसे मछली का भ्रम होता है। समझ रहे हैं, घड़े के पानी में अपने नेत्रों का प्रतिबिंब देखकर उसे मछलियों का भ्रम होता है, और इस प्रकार भ्रम एक अलंकार है, अतः भ्रम या भ्रांति अलंकार यहाँ व्यंग हुआ। और चलिए, भ्रम अलंकार में सादृश्य व्यंग रहा करता है, अतः अब इस व्यंगार्थ पर पहुँचे कि नेत्र मीन के समान हैं। अब अलंकार का पीछा छोड़िए, नायिका भेद की तरफ आइए, मतलब इसी का वो बता रहे हैं शुक्ल जी। वैसा भ्रम जैसा ऊपर कहा गया है अज्ञात यौवना को हुआ है, अतः ऊपर का सवैया अज्ञात यौवना का उदाहरण हुआ। यह इतनी बड़ी अर्थ यात्रा रूढ़ी के सहारे हुई है, जिसको रूढ़ी का पता है वही निकाल सकता है इनका। जब तक ये ज्ञात ना हो कि कवि परंपरा में आँखों की उपमा मछली का दिया करते हैं, तब तक ये सारे अर्थ स्फुट नहीं हो सकते हैं, तब तक आप इनका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, आपके लिए ये पहली ही बनकर रहे। प्रताप शाही का ये कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक रस ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम से सब पद्य रखे, जिससे उनके ग्रंथ को जो जी चाहे तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करें, पंक्ति को अब महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करें तो मतीराम श्रीपति और दास जी से ये कुछ ही बीस ठहरते हैं। इन तीनों के भी विशेषता आप यहाँ देख लीजिएगा। मतीराम श्रीपति और दास जी के बारे में क्या कहा जा रहा है, आचार्यत्व और कवित्व का अनूठा संयोग, पूछा जाए तो पट से बता दीजिएगा। इधर भाषा की स्निग्ध सुर सरल गति, कल्पना की मूर्तिमत्ता और हृदय की द्रवणशीलता मतीराम श्रीपति और बेनी प्रवीण के मेल में जाती है, ठीक है, इनकी विशेषता यहाँ बता दी है। और उधर आचार्यत्म में भी और दास से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा तो मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया हो। पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी रुचि की सीमा के बाहर जा पड़ती है, अभी बताया आपको, पर इस भाव पर प्रवीण कवि में यह दोष कहीं नहीं आने पाया है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि ये बराबर एक समान चलती है, उसमें ना कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, ना गति की शैथिल्य और ना शब्दों की तोड़ मड़ोड़, जैसे चाहे अपने शब्द को अपने हिसाब से बना लिया, उसकी विभक्ति में परिवर्तन कर दिया, उसके लिंग में परिवर्तन कर दिया, जैसे चाह रख लिया।
ऐसा इनके साथ नहीं, प्रताप शाही के साथ नहीं है। हिंदी के मुक्तक कवियों में समस्या पूर्ति की पद्धति पर रचना करने के कारण एक अत्यंत प्रत्यक्ष दोष देखने में आता है। उनके अंतिम चरण की भाषा तो बहुत ही गठी हुई है, व्यवस्थित और मार्मिक होती है, पर शेष तीन चरणों में ये बात बहुत कम दिखाई पाई जाती है। बहुत से स्थलों पर तो प्रथम तीन चरणों में काव्य रचना बिल्कुल अव्यवस्थित, बहुत सी पद योजनाएँ निरर्थक होती हैं, पर प्रताप की भाषा एक रस चलती है। प्रताप शाही की सबसे बड़ी विशेषता, शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनकी भाषा में एक रसता है, एक समान सब जगह व्यवहार करती हुई चलती है। इन सब बातों पर विचार से हम प्रताप शाही को पद्माकर के समकक्ष ही बहुत बड़ा कवि मानते हैं। बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है, पद्माकर की कुछ रचनाएं उद्धृत की जाती हैं। चलिए एक इनका पद्य पढ़ के जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 30 मिनट हो गए। चंचलता अपनी तज के रस ही रसो सुंदर रस सुंदर पीजिए, को किते की कहे तुम सो कति नहीं कहीं बातन को न पतीजिए, चोज चमाइन को सुनियो नहीं एक मेरी कही नित कीजिए, मंजुल मंजरी पैह मलिंद विचारी के भार संभारी के दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिएगा और इनकी जो रचनाएं दी हुई हैं, रीतिकालीन सभी रचनाएं पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है इसमें एक कवि और रह गए, बहुत सारी हैं। रसिक गोविंद, ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। हरिव्यास जी की शिष्य परंपरा में सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए। रसिक गोविंद जी उन्हीं के शिष्य थे। ये जयपुर यानी राजपुताना के रहने वाले नटाड़ी जाति के थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम, माता का नाम घुमाना, चाचा का नाम मोतीराम और बड़े भाई का नाम बालमुकुंद था। इनका कविता काल 1850 से 1890 तक अर्थात विक्रम की 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अंत तक स्थिर होता है। अब तक इनके 9 ग्रंथों का पता चला है, संभवतः और भी 2 होंगे। 9 ग्रंथ ये हैं, चलिए 9 ग्रंथ देख लेते हैं इनके। रामायण सूचनिका 33 दोहों में अक्षर क्रम में रामायण की कथा संक्षेप में कही गई है। 33 दोहों में अक्षर क्रम में, ध्यान रखिएगा, सूचना दी गई है। रामायण सूचनिका नाम है रामायण की कथा। इसमें संवत 1858 के पहले की रचना है। इसके ढंग का पता इन दोहों से चलता है। अच्छा, अभी ये और चकित भूप बानी सुनत गुरु वशिष्ठ समझाए, दिए पुत्र तब ताड़का मग में मारी जाए, छाड़त सर मारी चिड़ो पुनि प्रभु हत्यो सुबा, मुनि मक पूरन सुमन सुर बरसत अधिक उछा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर मैं सोच रही हूँ इसको आज खत्म कर दूँ। रसिक गोविंद गोविंदानंद घन, ये सात आठ सौ प्रश्नों का एक बड़ा भारी रीति ग्रंथ है। कौन सा? रसिक गोविंदानंद घन। इसमें रस नायिका नायक नायिका भेद अलंकार गुण दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। इससे इनका प्रधान ग्रंथ समझना चाहिए। इसका निर्माण काल बसंत पंचमी संवत 1858 है। ये 4 प्रबंधों में विभक्त है। इसकी बड़ी भारी विशेषता ये है कि ये लक्षण गद्य में है और रसों अलंकारों आदि के स्वरूप पद्य में समझाने का प्रयत्न किया गया। मतलब लक्षण तो गद्य में कहे गए हैं लेकिन रस और अलंकार के स्वरूप पद्य में समझाने का प्रयत्न किया गया है। संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों के मतों का उल्लेख भी स्थान स्थान पर है। जैसे रस का निरूपण इस प्रकार है, अन्य ज्ञान रहित जो आनंद सो रस। प्रश्न, अन्य ज्ञान रहित आनंद तो निंद्रा ही है। प्रश्नोत्तर ढंग यह देखिएगा। उत्तर, निंद्रा जड़ है, यह चेतन। भरत आचार्य सूत्रकर्ता को मत विभाव अनुभाव संचारी भाव के जोग से रस की सिद्धि। अथ काव्य प्रकाश को मत कारण कारज सहायक है, जे लोक में इन
इन्हीं को नाटक में काव्य में विभाव संज्ञा है। अब टीकाकार कर्ता को मत तथा साहित्य दर्पण को मत सत्व विशुद्ध अखंड स्वप्रकाश आनंद चित्त अन्य ज्ञान नाही संग ब्रह्मास्वाद सहोदर रस। इसके आगे अभिनव गुप्ताचार्य का मत कुछ विस्तार से दिया गया है। सारांश ये है कि ग्रंथ आचार्यत्व की दृष्टि से लिखा गया है और इसमें संदेह नहीं है कि ग्रंथों की अपेक्षा इसमें विवेचना भी अधिक है और छूटी हुई बातों का समावेश। दोषों का वर्णन हिंदी के लक्षणों में बहुत कम पाया जाता है। इन्होंने काव्य प्रकाश के अनुसार विस्तार से किया है। रसों अलंकारों आदि के उदाहरण तो अपने हैं पर बहुत से दूसरे कवियों के उदाहरण को चुनने में इन्होंने बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। भले दूसरों के चुने हैं पर बड़ी सहृदयता का परिचय दिया है। संस्कृत के उदाहरणों के अनुवाद भी बहुत सुंदर करके रखे हैं। साहित्य दर्पण के मुग्धा का उदाहरण दत्तो साल समंथर इत्यादि को देखिए, हिंदी में इन्हें किस सुंदरता से लाए हैं। आलस सो मंद मंद धारा पे धराती पाए भीतर इते बाहरी न आवे चित्त चाए के रोकती द्रगानी छिन्न छिन्न प्रति लाज साथ बहुत हंसी की दीनी पानी बिसेराए के। ठीक है, चलिए अब लक्ष्मण चंद्रिका के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। लक्ष्मण चंद्रिका रसिक गोविंदानंद घंत के आए लक्षणों का संक्षिप्त संग्रह जो संबत 1886 में लक्ष्मण कानिकब्ज के अनुरोध पर कवि ने किया। उसके बाद अष्टदेश भाषा, इसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी 8 बोलियों में राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला गाई गई है। अष्टदेश भाषा, नाम से आपको अष्टदेश भाषा तो समझ आ जाएगा कि 8 बोलियाँ हैं इसमें, पर राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला है, याद रखिएगा। उसके बाद पिंगल समय प्रबंध, जिसमें राधा कृष्ण की ऋतुचर्या 85 पद्यों में वर्णित है। कलयुग रासो, इसमें 16 कवित्वों में कलि काल की बुराइयों का वर्णन है। सुन लीजिए, कलि काल की 16 कवित्वों में बुराइयों का वर्णन है। प्रत्येक कवित्व के अंत में कीजे सहाय जु कृपाल श्री गोविंद राय कठिन कराल कलि काल चली आयो है, ये पद आता है। निर्माण काल 1865। रसिक गोविंद चंद्रालोक या भाषा भूषण के ढंग की अलंकार की छोटी सी पुस्तक जिसमें लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में दिए। रचना का 1890। जुगल माधुरी रोला छंद में राधा कृष्ण बिहार और वृंदावन की बहुत ही सरल और मधुर भाषा में वर्णन है, जिसमें इनकी सहृदयता और निपुणता की पूरी पूरी टपकती है। उदाहरण की पंक्तियाँ कुछ दी हुई हैं, पढ़ूँ। मुकुलित पल्लव मूल सुगंधा पराग ही जरात जुग मुग निरख विपन जनु लाई राई लोन उतार फूल फलन ए भार डार झुकी यो छवि छाजे मन पसार दे भुजा देन फल पद कनक काजे मधुर मकरंद पराग लुब्धा अलिमुदित मत्तमन विरद पढ़त ऋतुराज नृपति के मन बंदी च। अब यहाँ से आपके रीतिकाल के जो मुख्य कवि थे वो समाप्त होते हैं, है ना। इसके बाद अगर देखिए, ये उत्तर मध्यकाल के रीतिकाल का प्रकरण 3 यानी रीतिकाल के अन्य कवि शुरू होंगे, जिनकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर देख लीजिएगा। साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, बोलते बोलते मेरा गला दर्द होने लगता है। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, लाइक बहुत कम आती हैं। कमेंट्स करने वाले उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ बनाए रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।